भैया सर नीचे कीजिए। अरे गजब स्थिति है इंसान। पूरे झारखंड से हर जिला से पार्टी संगठन से जुड़े हुए साथी समाज चिंता समाज के सभी जाति मजबूती से किस तरीके से हजारों गाड़ी के साथ स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए और उपस्थित कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय दुल्हन के जिस तरीके से सजा के और मत अच्छी तरीके से हमें पदाधिकारी और सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार आपने पार्टी लॉन्च किया। मजबूती से झारखंड में आपने साबित कर दिया, बता दिया कि झारखंड में निषाद समाज के लोग जाति बड़ी संख्या में है और मजबूती से जिस तरीके से हमने बिहार में समाज के हर अधिकार के लिए संघर्ष किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बिहार में निषाद समाज को दिया। आज कह सकते हैं कि बिहार में निषाद समाज का अपना सरकार है और अभी हमने उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और बहुत ही अच्छा शानदार जहाँ हमारे पास एक भी वोट नहीं था वहाँ हमारे पास लाखों वोट हमें प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में। अब मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड में भी हम पार्टी विस्तार कर रहे हैं संगठन के नाम से तो हम लोग वोट से ही काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी के प्रोटोकॉल पे हम लोग अभी काम करने के लिए जा रहे हैं और पूरे पार्टी राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश कमेटी जिला कमेटी प्रखंड कमेटी पंचायत कमेटी बूथ कमेटी ये सब पे हम लोग काम करेंगे। 2024 में मजबूती से 14 लोकसभा सीट पर मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, उस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और आने वाले समय में बहुत सारा कार्यक्रम झारखंड में होगा। अभी हमारे कैडर का काम हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, कैडर के बाद हम लोग का पूरा झारखंड में हर एक जिला में मेरा दौरा होगा और आप लोगों से समय समय पर हमारा मुलाकात होते रहेगा। हर महीने में एक बार तो झारखंड में निश्चित तौर पर मैं आऊँगा और जरूरी पड़ा तो 4 बार भी आऊँगा। तो इसके लेके हम लोग पूरे भारत में निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी केंद्र सरकार को निषाद समाज को एससी एसटी में आरक्षण देने के लिए अनशंसा वर्षों से करके रखे हैं लेकिन केंद्र सरकार से ये काम नहीं हो रहा है और समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं उम्मीद करता हूँ, बात भी होता है कि आरक्षण करेंगे लेकिन समय बीत जाता है लेकिन आरक्षण पे काम नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तीनों राज्य में कि 134 लोकसभा सीट है उस पर हम 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो हमारी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, अपने वजूद को कायम रखने का, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सत्ता में आना ही मेरा पार्टी का हमारा मकसद नहीं है, हम व्यवस्था बदलने के लिए हमारे लोगों को लिए जो आज घर नहीं है, सड़क नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उस सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं मुंबई के ऐशोराम जिंदगी को छोड़कर आज हर राज्य में अलग अलग गाँव में जिला में घूम रहा हूँ, तो इसलिए नहीं घूम रहा हूँ कि मुझे नेता बनना, हम अपने समाज का बेटा बन के इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनत मल्ला हूँ। पूरे देश में निषाद समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोग मुझे कहते होंगे कि ये एक जात की बात करते लेकिन नहीं, मैं एक जात की बात नहीं करता हूँ, वो जात जो है वो मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है और उसके लिए जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक हम निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, हम मजबूती से हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। उसमें आपने जिस तरह से चुनाव लड़ा वहाँ पे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाने जमानत जब्त भी होगी, बिहार में बीजेपी के नेता ही आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एक जाति विपक्ष को लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो एम वाई समीकरण तो यूपी में भी नहीं चला और जिस तरह से अभी हवा चल रहा है इलेक्शन में तो उसमें जाति समीकरण कहीं नहीं दिख रहा है, किस तरह से आप अपना चुनाव प्रचार करें झारखंड में? हम लोग काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और काशीराम जी का लाइन है कि एक इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए, एक बार लड़ना चाहिए उनको समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार लड़ना चाहिए आपको हराने के लिए और तीसरी बार लड़ना चाहिए जीतने के लिए। तो हम लोगों ने चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो सीख चुके हैं, अभी हम लोगों का लड़ाई है कि हराने का और जिस रोज हारने लगता है लोग उस रोज हमें जीतने का भी मौका मिलता है। आपको पता होगा 2019 में बिहार में उपचुनाव हमने लड़ाई लड़ा, यूपीए के साथ लड़ा, हम लोग चुनाव हार गए लेकिन 19 में ही उपचुनाव हुआ
उपचुनाव में हमने मजबूती से लड़ा और वहां पे भी हमने चुनाव हार गया, लेकिन 25,000 वोट वीआईपी पार्टी को मजबूती से मिला और हमारे वजह से वहां पे एनडीए वहां पे 15,000 वोटों से चुनाव उनको हारना पड़ा। और उनके बाद लोगों को लगा कि मेरे पास 25,000 वोट मतलब 15% वोट है। और जब 2020 का समय आया तो अब जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया तो हमारे पास सामने से चल के लोग आए कि आप हमसे गठबंधन कीजिए और मजबूती से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और हमने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते। लोगों ने हमें हमारी ताकत को देखकर हमें बुलाए, इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो कम ज़्यादा होता ही है, चुनाव में दो ही परिणाम आता, हार या जीत। लेकिन हार से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। और एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। जिस तरीके से बिहार में हमने दो बार हारा लेकिन तीसरी बार तो हारे और जीते। और हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है। तो ये जिंदगी में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सीट के कारण केंद्र में सरकार गिर गया, लेकिन आज देश में सरकार उनके हैं। एक समय उनके दो भी सांसद होते थे, आज कितना है। तो जिंदगी में हार जीत होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में आप सुने होंगे, 440 सीट के साथ देश में सरकार चलाती थी, आज उनका पार्टी का क्या हाल है। तो ये देश में परिवर्तन होते रहता है। जो कांटा घड़ी का 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना तय है। सिर्फ उसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। धन्यवाद। मुकेश जी, झारखंड में आपकी पार्टी ने दस्तक दे दिया, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कितने सीटों पर आप लड़ेंगे और किसके साथ गठबंधन आपकी होगी? देखिए, अभी तो पहले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने संगठन पार्टी को मजबूत करना है। और अभी समय है, 2 साल का समय है, चुनाव होने का 2024 का चुनाव में 2 साल समय है, और उस समय में डिसीजन लिया जाएगा कि किनके साथ राजनीति करना है। फिलहाल तो अभी अपने संगठन को पार्टी को मजबूत करना है। देखिए, वीआईपी पार्टी का एक ही लड़ाई है, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, निषाद समाज का भी भला हो। और निश्चित तौर पर हर किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर उनके अधिकार अगर सत्य है तो उनको जीत होगा, उनके अधिकार अगर सही नहीं है तो उनको हार होगा। तो हर आदमी को अपना अधिकार है कि लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई जो होगा, झारखंड का हर एक इशू, हर एक मुद्दा पे हमारी झारखंड के जनता के लिए, झारखंड के लोगों के लिए हमारी पार्टी काम करेंगे। जाति धर्म से उठकर काम करेंगे। हमारे समाज के लोग मजबूती से हर जाति धर्म को अपनाएंगे, हर लोगों को अपनाने का काम करेंगे और झारखंड के मुद्दा को लेकर करेंगे कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, झारखंड किस तरीके से भारत में सबसे आगे बढ़े। वो हमारे यहाँ के इकाई जो होंगे वो झारखंड के भविष्य के बारे में बात करेंगे। झारखंड में हमारे स्टैंड चुनाव के समय में क्लियर हो जाएगा। अभी हम संघर्ष करने वाले लोग, हमें मजबूत मेहनत करने दीजिए। इसके लिए भी हमारे अभी मंथन चल रहा है। बहुत शीघ्र ही पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं जिनके हाथ में कमान दिया जाएगा, इसके लिए भी हफ्ते दस दिन के बाद इसके ऊपर हम ऐलान करेंगे। मुकेश जी, अगर बीजेपी आपको एनडीए से बाहर कर देगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी क्या करना है वो बीजेपी को करने दीजिए, आप और हम लोग डिसाइड नहीं कीजिए। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं कि इनको क्या करना है वो हम कैसे बता सकते हैं। हमें क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। वो बीजेपी को क्या करना है, बीजेपी को क्या बोलना है, वो उनको उनसे पूछ लीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी के मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करता हूँ। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का? आज देखिए जेडीयू भी तो वहाँ पे चुनाव लड़े, लेकिन क्यों मैं एनडीए में रह के जेडीयू क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े? अगर दम है तो जेडीयू के बारे में भी बोल के दिखाए। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं निषाद का मल्ला का बेटा हूँ, कमजोर है, इसलिए हमारे ऊपर इतना बोल रहे हैं। तो बोलने दीजिए, हम सुन रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें हैसियत है, दम है उन लोगों नेता में, तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोल के दिखा दे। आज जिस तरीके से उनके एक विधायक ने बोला कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे भैया तुम कौन हो, ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। आपका
तुम ना तीन में हो ना तेरह में हो, तुम हमारे पार्टी का सदस्य नहीं हो, मेंबर नहीं हो, उसके बाद हमसे इस्तीफा मांग रहे हो। तुम हमारा हो कौन? तुम जिस पार्टी के हो उस पार्टी में बात करो कि पहले 325 सीट था, अभी आपने 200 कुछ सीट है, तो वहां पे आपको सीट कम हुआ, तो अपनी पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों आए, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आप सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे डिसीजन लो कि वहां की पार्टी के कौन लोग मजबूत हैं और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहां पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे हो? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था, और 2022 के चुनाव में हमारे पास लाखों वोट आया, तो ये हमारी उपलब्धि है। चुनाव नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हमारी उपलब्धि है और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब चुनाव हुआ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और आपने देखा होगा कि 125 सीट पे बहुमत पे हम लोगों ने सरकार बनाया, और बिहार में जब सरकार बनता तो 122 पे सरकार बनता, और हमारे पास चार विधायक था, अगर चार निकाल दीजिए तो 121 होता है, और 121 में सरकार नहीं बनता। तो हमारे सहयोग से एक मल्ला के बेटा के लेटर पैड पे समर्थन देने से बिहार में सरकार बना। आज कोई माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाइएगा, जब सरकार बना तो वीआईपी पार्टी के सहयोग से बना। आज कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, उनके पास बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। आज वो देश में विधायक खरीद लेता है, तो कल हमारे साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि मेरे सहयोग से सरकार बना, और आज भी मेरे सहयोग से सरकार है, और मजबूती से हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको जो बोलना, जितना परेशान करना, जितना गाली देना वो दे, उसमें अगर उसको खुश रहना तो वो रहे, और मैं अपने तरीके से काम करने वाला हूँ। मैं उनसे आग्रह भी करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा बोलने का क्षमता है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि वो भी आपके एनडीए गठबंधन में रह के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन आप उनको नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सरकार से बाहर निकल जाइएगा। लेकिन मुकेश सहनी को कमजोर समझ के आप जितना बोलना बोल दीजिए, मुझे उसका परवाह नहीं है। मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है जेडीयू से भी है, और मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को लेकर हम लोग सरकार चला रहे हैं, और मजबूती से उनके साथ है। मजबूती से हमारी सरकार 5 साल चलने वाले है, और हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में जब भी आएंगे लोग, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को आने नहीं देंगे, और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और रहा कि आने वाले समय में मजबूती से बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कब क्या होगा वो अब कैसे पता चल जाएगा आज के आज, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमारे और माझी जी के दम पे सरकार चल रही है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, सरजू राय जी सम्मानित नेता हैं झारखंड में, और अभिभावक हैं हमारे, और जब भी मौका मिलता हमेशा हम लोग बात करते हैं। कल हम आए तो सरजू राय जी मुलाकात हुआ है, और निश्चित तौर पे जब पिछड़े समाज के हक अधिकार की लड़ाई होता है वहाँ पे सरजू राय जी हमेशा आगे बढ़ के आते हैं, तो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, उसके नाते हम लोग मिले हैं, और आगे हम लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें करना रहेगा वो हम करेंगे। हमारी पार्टी नहीं, बस हो गया, धन्यवाद। लालू जी का तबीयत अस्वस्थ है, जब भी लालू जी चाहेंगे, इच्छा रखेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। आज शनिवार मुलाकातें का दिन, नहीं ठीक है, हम दूसरे काम से आए हैं, कभी ऐसा थोड़े है कि हम लालू जी से नहीं मिलेंगे। लालू जी हमारे दिल में बसते हैं, हम लालू जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं, ये बात अलग है कि उनकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है, तो इसमें कोई ये किंतु परंतु नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों के साथ रहने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार में विकास का काम कर रहे हैं, आज उनके साथ हैं,
नहीं, ये मैं किसी पे क्लेम नहीं लगाऊंगा। हमारे पार्टी के जितने भी विधायक हैं मजबूती से ईमानदारी से डटे हुए हैं, वीआईपी पार्टी के साथ हैं और उनको कोई खरीद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। मजबूती से वीआईपी पार्टी पे आस्था विश्वास जता के काम कर रहे हैं और वो किसको क्या करना उसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं? उनको वो स्वतंत्र है, उनको जो करना वो करे। हम अपने स्वतंत्र अपनी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।